बड़ी खबर, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं। निजी आवास पर नागर जनसुनवाई कर रहे हैं। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश उन्होंने दिए हैं। आज दिन भर कई कार्यक्रमों में हीरालाल नागर हिस्सा भी लेंगे। तो ये देखिए जानकारी आप तक हम साझा कर रहे तस्वीरों के साथ, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं और निजी आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। जनसुनवाई के माध्यम से तमाम लोग उनके इस जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान और उनका निस्तारण करना, इसी उद्देश्य के साथ जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं वो नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं। हालांकि न केवल जनसुनवाई का कार्यक्रम बल्कि अन्य और उनके कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। निजी आवास पर नागर जनसुनवाई कर रहे हैं। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण और निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। आज दिन भर में कई कार्यक्रमों में हीरालाल नागर की मौजूदगी रहने वाली है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं। योगेंद्र महावत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। योगेंद्र, जरा बताइएगा जनसुनवाई में लगभग कितने लोग उनके साथ पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और आगे उनके दिन भर के क्या कुछ कार्यक्रम हैं? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान के। वो आज कोटा दौरे पर है और अपने ही निजी आवास पर तलवंडी में उन्होंने जो है जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो सांगोद विधानसभा क्षेत्र से जहां से वो चुनाव जीते हैं वहां के लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके आवास पर पहुंचे और अपनी समस्याएं बताएं। ज्यादातर बिजली की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, उसके निस्तारण के लिए जो मौके पर संबंधित अधिकारी मौजूद थे उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप मौके पर जाके किसानों की जो भी समस्या उसका समाधान करें। इसके साथ ही बारिश के जो अभी जो पूरे कोटा जिले में बारिश का दौर जारी है, उससे कई खेतों में पानी भर चुका है। इसके अलावा जो वहां पर जो पंप लगे हुए हैं या फिर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई करंट ना फैले, इसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। खासतौर पर खेतों में जाकर उन्होंने कहा है कि खेतों में जाकर सर्वे करें और जो मौके जो अधिकारी हैं उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि किसानों की समस्याओं का मौके पर ही हल किया जाए, उनको यहाँ तक आने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही अगर उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो आज दिन भर उनका कार्यक्रम जिस तरह से भाजपा की एक बैठक है उसमें भी वो शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे क्योंकि कल जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आज एक दिन पहले जन्माष्टमी को लेकर भी शहर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें उनका पूरे दिन भर वो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, जिस तरह की अभी जानकारी आई है, क्योंकि बारिश के दौर में गाँव के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो खासतौर पर सांगोद विधानसभा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, और वहां पर किसानों की समस्या हो या ग्रामीण, बिल्कुल योगेंद्र, देखिए कई लोगों की इससे पहले शिकायतें भी थी कि जल भराव के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं पर सड़कें उतनी दुरुस्त नहीं है, तो कहीं पर बिजली कटौती भी होती है, कहीं पर पीने के पानी की भी किल्लत है। तो लिहाजा ये समझ लिया जाए कि इन तमाम मुश्किलों को और तमाम समस्याओं को लेकर निस्तारण के भी हाथ के हाथ आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं अधिकारियों को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह की आपने बात बताई कि बारिश के दिनों में सड़कें खुद जाती है या फिर पानी जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, घरों में जिस तरह की व्यवस्था बिगड़ जाती है, उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं पीएचडी के जो विभाग के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो दूसरे विभाग के अधिकारी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने फोन पर बात की है। और ग्रामीणों की ज्यादातर समस्या ये आई है कि जो वो गाँव में जब जाते हैं तो सड़कें खुद गई है, जगह जगह पानी भर गया है, जिसकी वजह से हादसे सामने आ रहे हैं। खेतों में पानी भर चुका है, जो उनके घर है वो कहीं ना कहीं उन पर परेशानी आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी ना हो, रोड बिल्कुल सही रहे, क्योंकि जब भी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा आते हैं तो अपने सांगोद विधानसभा क्षेत्र में बाय रोड जाते हैं, तो कई बार उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इसको देखते हुए उन्होंने लगातार आदेश दिए और आज भी उन्होंने आदेश दिए कि सड़कें दोबारा इस तरह की न मिले, नहीं तो उनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा योगेंद्र, क्योंकि ये जिस तरीके से लगातार ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने स्थान पर अपने निजी आवास पर ये जनसुनवाई कर रहे हैं, कब तक ये जनसुनवाई का कार्यक्रम चलेगा और आगे उनके क्या स्केड्यूलिंग रहेगी, कब वो बाकी कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे? बिल्कुल, ये कार्यक्रम अब थोड़ी देर में वो निकलने वाले अपने आवास से, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि वो अपने आवास से कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। जनसुनवाई का दौर उनका लगातार जारी था, सुबह 9 बजे से वो जनसुनवाई कर रहे थे और
काफी हद तक उन्होंने ग्रामीणों की, शहर की जनता की समस्या का समाधान भी कराया, बिजली की समस्या का भी समाधान करा है। जिस तरह से लगातार आए दिन केडीएल की लापरवाही की वजह से जिस तरह से बार बार बिजली चली जाती है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको भी उन्होंने निस्तारण करने के जो तरीके बताए हैं, आदेश दिए। इसके बाद वो थोड़ी देर में निकलने के बाद कई जगहों पर कार्यक्रमों में भाग लेंगे और देर रात तक उनका कार्यक्रमों का दौर आज दिन भर जारी रहेगा। ठीक है योगेंद्र, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।